बनारस के बुनकरों के ऊपर जो आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ा WTO और वैश्वीकरण का जो दुष्प्रभाव था, बहुत ही बुरी तरीके से मंदी के दौर में चला गया और उसका असर इस तरीके से रहा कि परिवार चलाने के लिए कई बारी बुनकरों को अपने बच्चों को बेचना तक पड़ा, चाहे वो शादी के नाम पे, चाहे वो काम के नाम पे, कि सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से वो जिंदा तो रहेंगे। ये कह सकते हैं कि किसी भी उद्योग धंधे में जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं उसमें हमेशा से लोग बच्चों को काम पे लगा देते हैं, ये उससे कहीं वो उससे भी एक कदम आगे था। लोग बच्चों को ले जाते थे, पूरे 16-16 घंटे काम कराते थे और रात को एक टाइम खाना देते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा तो कुछ कहने इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब बच्चों का जीवन खतरे में पड़ गया और परिवार की आर्थिक स्थिति का मंदी होने से सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि घर में बिल्कुल राशन नहीं, और वो राशन नहीं होने के कारण उन बहुत सारे बच्चे कुपोषण से ग्रसित हो गए और बच्चे इस तरीके से भूखमरी का शिकार हुए, कुपोषण का शिकार हुए। PVCHR ने बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास किए। सबसे पहले हम लोग ने किया कि बुनकरों की स्थिति को योजना आयोग तब हुआ करता था, अभी नीति आयोग है, तो हम लोग ने योजना आयोग से बुनकरों के डेलीगेशन को मिलाया। एक किलोमीटर पे स्कूल होना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ 3 किलोमीटर पे भी कोई सरकारी स्कूल नहीं है। अब प्राइवेट है तो एक तो काम ही मम्मी पापा का बंद, जो कि बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और ऊपर से इतना महंगाई था कि तब की मम्मी पापा पढ़ा ही नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी। दूसरा जो हम लोग ने बच्चों के साथ काम किया कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स चला के बच्चों को स्कूल से जोड़ा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कम से कम पढ़ाई के साथ साथ इन चीज अपने हक हकूक को जानती रहे ताकि उसका कहीं से शोषण ना हो पाए। कुल 20 बाल पंचायत आज के समय में संचालित है जिसके प्रमुख बच्चे ही हुआ करते हैं, बच्चे आपस में मिलके जिसकी एज ग्रुप 10 से 18 वर्ष की है। जब हम लोग बाल पंचायत बनाना स्टार्ट किए ताकि इससे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने अधिकारों के बारे में जानने को मिला, और जब हम लोग अपना बाल पंचायत बनाए तो उसमें हम लोग को ना ही ये बाल विवाह के बारे में पता था, ना बाल मजदूरी के बारे में पता था कि क्या होता है, ये सब शिक्षा अधिकार क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोग को बाल पंचायत के माध्यम से ही हम लोग को जानने को मिला ताकि हम लोग अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठा सकें। बाल पंचायत की गठन 2004 में हुई थी। बाल पंचायत की मीटिंग 15 तारीख को होती है हर महीने में, और उस मीटिंग में हर एक की समस्या सुनी जाती है, हर एक को बोलने का मौका दिया जाता है। बाल पंचायत इसलिए अपना स्टार्ट किए क्योंकि जब हम लोग छोटे थे उस समय जब गांव में जब पंचायत होती थी तो उसमें बड़े लोग अपना पंचायत करते थे, अपनी बात रखते थे, और हम लोग जब उसमें जाते थे सुनने के लिए कि हम भी सुने क्या बात कर रहे हैं तो लोग भगा देते कि तुम लोग क्या सुनोगे, जाओ तुम लोग भी छोटे हो, तुम लोग सुनने लायक नहीं है, जाओ अभी खेलो कूदो। सोचते थे कि हम लोग की बात को कोई सुने क्योंकि घर में भी कोई नहीं सुनता था, इसलिए हम लोगों ने एक बाल पंचायत का गठन किया जिसका नाम मुंशी प्रेमचंद बाल पंचायत है। जिन्होंने मुख्य धारा से हट करके चुनौतियाँ झेलते हुए वंचित तबके से जो लोग आए थे उन लोगों के नाम पे ये बाल पंचायतों का गठन किया जिसमें उनके जीवन से भी ये बच्चे प्रेरणा लेते हैं, और जो हमारा प्रोस्पेक्टस है चाइल्ड पार्टिसिपेशन का कि बच्चे को अपने एज अकॉर्डिंग अपने बारे में सब कुछ पता चलना होना चाहिए कि उसके लिए दुनिया में क्या क्या है। उनको साइन करवा लेंगे कि मतलब ये हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं आपके घर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप अपनी राय इसको देने के लिए आपकी मतलब चाहिए। जिस समय यहाँ पे काम करना शुरू की थी सिर्फ एक आदमी पढ़ा हुआ लिखा हुआ था 10 तक, और आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और लगभग सभी पढ़ रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। छोटे से थे तभी से मेरा बहुत मन था कि मैं पढ़ूं लिखूं, और इसके बाद मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरी संस्था जो है PVCHR मानवाधिकार जनगणना समिति, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मुझे यहाँ पे पढ़ने का मौका दिया। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे साथ ऐसे कई बच्चे हैं जिनको पढ़ने का वो मौका दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और जिनके स्कॉलरशिप से आज मैं LLB कर रही हूँ।
ऐसा लगता था कि हम लोग को अपने तो एकदम आजादी मिल गई है, जो मन सो कहो। एक लड़की का हम लोग तो उसका गौना रुकाए थे, विवाह तो उसका नहीं रुका पाए, तो इससे ये हुआ कि अगर जब हम लोग विवाह के लिए जब ये धर्म तक की रैली निकाले कि बाल विवाह बंद करो बंद करो, तो उसके बाद उन लोगों को पता चला कि ये लोग छोटे छोटे शादी करने के लिए लोग रैली निकाल रही है, इतनी सब जानकार हो गई है, तो इसलिए लोग अपने लड़कियों को शादी करना भी नहीं करेंगे भैया। हमारे अभी थोड़ा परिवर्तन आया है कि लोग लड़कियों को थोड़ा पढ़ने दे रहे हैं, कि जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ कम से कम इंटर तक तो पढ़ा रहे हैं। हमारी संस्था पीयूसी चार में काम करना स्टार्ट की, तब से मुझे इतना मतलब क्यों लगा कि हम भी मतलब कुछ अब कर सकते हैं। हमको लगा कि मतलब कि बचपन से मतलब लगता था कि हम एक एडवोकेट बने, मुझे सपना था, वो सपना आज मुझे पूरा होते लग रहा है।